हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हम टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एसएससी मेंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी कैन डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, 20 डेज एंड 24 डेज रिस्पेक्टली। ठीक है, ए और बी और सी की टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, हमारे पास ए की टाइम ड्यूरेशन क्या है 16 डेज, बी की टाइम ड्यूरेशन क्या है 20 डेज एंड सी की क्या है 24 डेज। ठीक है, दे स्टार्टेड द वर्क टूगेदर बट आफ्टर एक्स माइनस 8 डेज ए लेफ्ट द जॉब। तीनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्स माइनस 8 डेज बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है। अब काम पर कौन है, यानी वर्क कौन कंप्लीट करेगा रिमेनिंग, बी और सी मिलकर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, एक्स डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी आल्सो लेफ्ट द जॉब। ठीक है, जो भी काम को कंप्लीट करने की टाइम ड्यूरेशन थी उससे एक्स डेज पहले बी भी काम को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो यानी लास्ट एट द लास्ट अगर हम बात करें तो सी ही काम पर था। अब अगर हम बात करते हैं, हमसे यहां पर ये भी दिया गया है, इफ द होल वर्क इज कंप्लीटेड एक्स प्लस वाई डेज, एक्स प्लस 5 डेज, अगर पूरा काम एक्स प्लस 5 डेज में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी दी गई है एक्स प्लस 5 डेज। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताएं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास तीनों की टाइम ड्यूरेशन दी है, तो यहां से सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम टोटल वर्क फाइंड करेंगे। ठीक है, अब टोटल वर्क के बाद फिर सेकेंड हमारे हमें क्या फाइंड करना होगा, तीनों की एफिशिएंसी, और उसके रिस्पेक्ट में जैसे हमें क्वेश्चन में डाटा दिया गया उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे को ए का ए इस वर्क को कितने टाइम ड्यूरेशन में करता है 16 डेज में, बी इसी सेम वर्क को 20 डेज में, ठीक है, और सी इसी सेम वर्क को 24 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इन वैल्यू को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं। प्राइम फैक्टर में भी हम प्राइम पेयर बनाते हैं प्राइम वैल्यूज का। जैसे अगर हम बात करें 16, तो ये 2 की पावर 4, यानी अगर हम बात करें तो 2 के ही सारे पेयर है। ठीक है, हम ये चेक करते हैं कि इसमें मैक्सिमम पेयर प्राइम फैक्टर का कौन सी वैल्यू है, वो हम वैल्यू एलसीएम के लिए लेते हैं। अगर मैं बात करती हूं यहां पर 24, इसे हम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 लिखेंगे। हम इसे ये भी लिख सकते हैं 8 × 3, 2 की जो वैल्यू है उसके पेयर की जो वैल्यू उसकी एक कंबाइंड वैल्यू ले ली है। ऐसे ही 16 की बात करें तो 16 को एज इट इज 16। ठीक है, 20 की बात करते हैं तो 20 में 2 इसका प्राइम फैक्टर है और 5, तो हम 4 × 5 बोल सकते हैं। उस अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम वैल्यू हो, ठीक है, पेयर की प्राइम वैल्यू की, वो हम वैल्यू ले लेते हैं। अब अगर हम बात करें 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 16, फिर 3 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3 ही, और फिर 5 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5 ही, तो ये हमारी टोटल वैल्यू क्या हो गई, एलसीएम। मल्टीप्लाई कराएंगे 16 × 5 = 80, ठीक है, 80 × 3 यानी 240। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम कितना आ गया 240। 240 यूनिट हमारे पास क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, 240 यूनिट हमारे पास क्या हो गया, टोटल वर्क। इसका मैं फैक्टर लिख देती हूं ताकि हमारे को कैलकुलेशन इजी रहे, 16 × 3 × 5। चलिए, ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, हमारे पास ये टोटल वर्क आ गया, अब हमें तीनों की एफिशिएंसी चाहिए, तो एफिशिएंसी कैसे फाइंड करते हैं, टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं टोटल टाइम ड्यूरेशन से। ए की टाइम ड्यूरेशन कितनी है 16 डेज, 240 से डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए एक तरीके से क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, हमने जो प्राइम फैक्टर लिए थे उसमें हम देखेंगे जो वैल्यू नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ जो हमारा टोटल वर्क आया उसमें ये 16 है, रिमेनिंग क्या है 3 × 5, तो कितना आ जाएगा 15। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15 यूनिट। इसी अकॉर्डिंग अगर मैं बात करती हूँ, ये 20 है, 4 इसमें से 16 वाली पेयर में से और 5 ये, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या रह गई 4 × 3 यानी 12 यूनिट। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 12 यूनिट। ऐसे ही हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 10 यूनिट।
ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10 यूनिट। इस अकॉर्डिंग हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ठीक है, अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी टोटल ले लेती हूँ, कितने दिन उन्होंने वर्क किया, उसके अकॉर्डिंग हम इनके टोटल वर्क फाइंड करें कि कितना कितना किसने वर्क किया, तो वो हमारे लिए क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, काफी लेंथी होगा। रीजन समझना, हर क्वेश्चन का मेथड डिफरेंट होता है। यहाँ पर हमें जो बी के टाइम ड्यूरेशन दी है वो डायरेक्ट वे में नहीं दी, हमें बी की टाइम ड्यूरेशन मेंशन की गई है कि बी क्या है, टोटल वर्क टाइम ड्यूरेशन जो है उससे एक्स डेज पहले वर्क को कंप्लीट कर देता है। तो हम यहाँ पर तीनों की कंबाइंड ना लेके, या फिर टू उसके बाद जो दो जने काम पे रह जाते हैं उनके रिस्पेक्ट में ना लेके, तीनों की अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट में तीनों के द्वारा जो काम किया गया है उसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले काम को किसने लेफ्ट किया था, कौन काम छोड़ के गया था, ए। तो ए ने कितने दिन काम किया, कितने डेज काम किया और कितना टोटल वर्क फिनिश किया, सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे। फिर हम ये फाइंड करेंगे उसके बाद काम को छोड़कर कौन गया है, बी। तो बी ने कितनी टाइम ड्यूरेशन वर्क को कंप्लीट किया, कितना टाइम ड्यूरेशन काम किया है उसने और कितना वर्क कंप्लीट किया है, फिर हम वो फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद सी की बारे, और इसके रिस्पेक्ट में हम ये देखेंगे कि हमारा टोटल वर्क कितनी टाइम ड्यूरेशन में फिक्स हुआ है। ठीक है, अब वहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए ने काम को स्टार्ट किया था, अगर हम बात करें काम को तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया था, पर सबसे पहले ए काम को छोड़ के गया था। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी अभी फिलहाल मैं ए ले लेती हूँ, बाद में हम उसे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और कितने दिन के लिए काम किया, तो x माइनस 8 डेज बाद वो काम को छोड़कर चला जाता है। तो a ने कितना टाइम ड्यूरेशन काम किया, x माइनस 8, a की एफिशिएंसी में फिलहाल मैंने a ही ले लिया। फिर उसके बाद काम को छोड़कर कौन गया, b गया। ठीक है, b ने काम को छोड़ा, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वर्क किया, b की एफिशिएंसी फिलहाल b ले ली है। ठीक है, b काम टोटल टाइम ड्यूरेशन है जो है उससे x डेज पहले, टोटल टाइम ड्यूरेशन हमारे को कितनी दी है, x प्लस 5 डेज। ठीक है, इससे x डेज पहले, तो x प्लस 5 माइनस x डेज। ठीक है, तो इतने टाइम ड्यूरेशन b ने वर्क किया है। उसके बाद c ने काम किया है, और अगर हम c की बात करते हैं तो c ने पूरे टाइम ड्यूरेशन मतलब पूरे टाइम वर्क को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें तो हमारा टोटल वर्क फिनिश हो जाता है, टोटल वर्क कितना है हमारा 240 यूनिट। ठीक है, कल ए और बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 15 पुट करेंगे तो 15x, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15x माइनस 120। ठीक है, 15 इंटू में 8 120, ऐसे ही बी की बात करते हैं, बी की वैल्यू हम पुट करेंगे 12। ठीक है, ये एक्स से कैंसिल, 12 इंटू में 5 तो कितना आ गया 60। ठीक है, फिर सी की वैल्यू पुट करेंगे 10 यूनिट, तो 10x प्लस 50 इक्वल में किसके है 240 के। ठीक है, 15x एंड 10x आपके पास कितना हो गया टोटल 25x। ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 120, 60 प्लस 50 कितना हो गया 110। ठीक है, माइनस का 10 आया और वो 240 के इधर राइट साइड जाएगा, तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। ठीक है, 25 से 25 कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी, वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, एक्स की, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फोर फ्रेंड्स ए बी सी डी आर असाइन टू कंप्लीट ए वर्क। चार फ्रेंड्स हैं, उन्हें कोई वर्क दिया गया है, ठीक है, असाइन किया गया है काम, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद कंडीशन क्या दी है, ए कॉमा सी एंड डी टुगेदर कैन कंप्लीट दी टास्क इन 8 डेज। अगर वर्क पे कौन कौन काम करता है, ए और सी एंड डी, ठीक है, तो कितने टाइम ड्यूरेशन में काम को कंप्लीट कर देते हैं, 8 डेज में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे को लाइन दी है, ए सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 72/7 डेज। अगर सिर्फ काम पर कौन होता है, ए और सी होता है, तो सेम वर्क को 72/7 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लाइन दी है कि इफिशियंसी ऑफ बी इफ द बी इज 20% मोर इफिशियंट देन डी। जो बी की इफिशियंसी है, ठीक है, वो डी से क्या है 20% ज्यादा है।
ठीक है, नेक्स्ट लाइन है देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी एंड सी टू कंप्लीट द टास्क इंडिविजुअल। अगर हम बात करें, हमारे को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बतानी है बी और सी की, ठीक है, बी और सी की जो टाइम ड्यूरेशन है उसका सम बताना है, पर बी और सी की वो टाइम ड्यूरेशन जो वो अकेले काम को कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे को यहाँ पे गिवन है, If it is given that the ratio of efficiency of A and C is 3:4, अगर A और C की efficiency का ratio कितना है 3:4, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे को यहाँ पर जो time duration दी गई थी वो किस किस की दी गई थी। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो time duration दी थी, अगर A, C and D तीनों इस काम को complete करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, 8 days में करते हैं, ठीक है, और यही काम अगर ए और सी करते हैं तो कितने टाइम ड्यूरेशन में करते हैं, 72/7 days में। तो सबसे पहला वर्क हमारा क्या होगा, हमें टोटल वर्क फाइंड करना होगा, और टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, एलसीएम। 8 और 72 अगर कोई फ्रिक्शन होती है तो हम उसके न्यूमरेटर का फ्रिक्शन एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 72 यूनिट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इफिशियंसी क्या आ गई, 8 को डिवाइड करेंगे तो ये 9 यूनिट, ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7 यूनिट। ये हमारे पास टोटल वर्क है। सेवेंटी टू यूनिट टोटल वर्क आ गया। अब देखिए ए प्लस सी प्लस डी तीनों की टोटल इफिशियंसी हमारे पास कितनी है, 9 यूनिट, ठीक है, और ए और सी की इफिशियंसी कितनी है, 7 यूनिट। तो जाहिर सी बात है यहां से हमारे को डी की इफिशियंसी आ जाएगी, ठीक है, डी की इफिशियंसी हमारे पास कितनी आएगी, 2 यूनिट, ठीक है, डी की इफिशियंसी कितनी आ गई हमारे पास, 2 यूनिट। अब हमारे को नेक्स्ट लाइन क्या कही है, हमें जो फाइंड करना है टाइम ड्यूरेशन किस किस का है, बी और सी का। सी की रिस्पेक्ट में सबसे पहले हमें उसके लिए क्या चाहिए होगी, सी की इफिशियंसी चाहिए होगी और बी की इफिशियंसी चाहिए होगी। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास डी की इफिशियंसी है और डी की इफिशियंसी के रिस्पेक्ट में हमारे को बी की इफिशियंसी एक्सप्लेन की गई है, तो वो कितनी है, बी की जो इफिशियंसी है वो 20% ज्यादा है किससे, डी से, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 2 × 20% ज्यादा यानी 120%, ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2.4 यूनिट आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास बी की इफिशियंसी आ गई, ठीक है, बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2.4 यूनिट। अब अगर हम बात करें हमारे पास बी की इफिशियंसी आ गई यहां से और डी की इफिशियंसी आ गई है। अब हमें सबसे मेन चीज यहां पर ए और सी की इफिशियंसी का रेशियो दिया है 3:4, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3x, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4x, और उसके इक्वल में ए और सी की टोटल एफिशिएंसी हमें कितनी दी है, 7 यूनिट, तो हम उसको 7 यूनिट के इक्वल रख सकते हैं। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहां से हमारे पास ए और सी की एफिशिएंसी भी आ जाएगी, ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट, और C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट। अब देखिए यहां पर हमारे पास टोटल वर्क भी है और चारों की हमारे पास एफिशिएंसी भी है। अब हमसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। हमसे जो पूछा जा गया है वो टाइम ड्यूरेशन पूछी गई है बी और सी की और उनका सम। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बी की टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, बी को कितना टाइम लगेगा, B की efficiency कितनी है, 2.4, ठीक है, और टोटल वर्क कितना है, 72 डिवाइडेड बाय उसकी efficiency, ठीक है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय efficiency हमारे पास क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे 0, तो कितना आ जाएगा, 30 डेज। B को अकेले उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो 30 डेज लगेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें हमारे को सेकंड किसकी पूछी है, सी की, तो सी की टाइम ड्यूरेशन फाइंड कर लेते हैं। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 72 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 18, ठीक है, तो सी को इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 18 डेज लगेंगे। तो हमारे पास दोनों का सम कितना आ जाएगा, बी और सी की टाइम ड्यूरेशन का सम पूछा था, तो 30 + 18 तो कितना हो गया, 48, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंकज कैन डू एज मच वर्क इन 4 डेज एज कमल, ठीक है, कैन डू इन 6 डेज। हमारे को यहाँ पे कंपेरिजन बताया गया है कि पंकज किसी काम को, जिस काम को 4 डेज में करता है, कमल सेम उसी वर्क को कितने दिन में करता है, 6 डेज में करता है। एंड कमल कैन डू एज मच वर्क इन 5 डेज एज अंकित इन 8 डेज, ठीक है। सेकेंड कंपेरिजन बताया गया है कि कमल जिस वर्क को क्या है 5 डेज में करता है, अंकित सेम उसी वर्क को 8 डेज में करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे को उनका वेजेस भी डिस्क्राइब किया गया है। व्हाट इज द वेजेस डज अंकित गेट फॉर द पीस ऑफ द वर्क व्हिच इज व्हिच पंकज कैन डू इन 70 डेज। हमारे से यहाँ पर अंकित का वेजेस पूछा गया है, मजदूरी एक तरीके से पूछी गई है, ठीक है। अगर जिस काम को पंकज क्या है 70 डेज में करता है, और हमारे को ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि अंकित को 1 दिन के लिए 1 रुपीज मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे को यहाँ पर तीनों की इफिशियंसी चाहिए और उसके रिस्पेक्ट में टोटल वर्क भी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे को फर्स्ट कंपैरिजन जो दिया गया है वो पंकज और कमल के बीच में दिया गया है, ठीक है। तो पंकज की इफिशियंसी हम पी ही ले लेते हैं, पंकज की एफिशिएंसी पी ले लेते हैं। तो पंकज की एफिशिएंसी पी हो गई, पी पंकज कितने दिन काम करता है 4 डेज, ठीक है। तो यहां से पंकज के द्वारा जो टोटल वर्क है वो हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं कमल की एफिशिएंसी हमने के ले ली, और कमल कितने दिन काम करता है 6 डेज। तो यहां से भी हमारे पास क्या आएगा, कमल जो काम वर्क को कंप्लीट कर रहा है, और ये दोनों वर्क क्या है, इक्वल है, तो हमने इक्वल पुट कर दिए। तो यहां से हमारे पास दोनों की इफिशियंसी में रेशियो आ जाएगा, यहां से पी पंकज की इफिशियंसी अगर हम बात करें अपॉन में कमल की इफिशियंसी, तो उसमें रेशियो हमारे पास आ जाएगा 3:2। ये बात क्लियर है। सेकेंड इसी कंपेरिजन से अगर हम देखें जो कमल क्या है, ठीक है, कमल की इफिशियंसी मैंने कितनी ली थी, के ही ली थी, ठीक है। जो कमल क्या है 5 डेज में काम करता है, वही सेम वर्क अंकित कितने दिन में करता है, अंकित की एफिशिएंसी ए ले ली हमने, अंकित 8 डेज में करता है। तो यहां से हमारे पास कमल की एफिशिएंसी, ठीक है, और अंकित की एफिशिएंसी में रेशियो आ जाएगा, तो वो रेशियो क्या आएगा 8:5। अब अगर हम बात करें तो यहां से दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, कमल कमल कॉमन है, तो उसकी इफिशियंसी भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो हम उसे इक्वल मेंटेन करेंगे। इक्वल बनाने के लिए देखिए ये 8 है, तो जाहिर सी बात हम चेंजेस किस में करेंगे, इसमें इसे 8 बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पंकज भी चेंज हो जाएगी, और यहां से हमारे पास तीनों का एक कॉमन रेशियो आ जाएगा तीनों की इफिशियंसी का, ठीक है। तो पंकज की इफिशियंसी रेशियो में कमल की इफिशियंसी रेशियो में अंकित की इफिशियंसी, तीनों का जो रेशियो आएगा, यहां हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 4 से पंकज की भी होगी, तो यह आ जाएगा 12:8:5, ठीक है। तो तीनों की एफिशिएंसी में रेशियो आ गया है 12:8:5। अब देखिए सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो हमारे को यह भी डिस्क्राइब किया गया है जो काम क्या है पंकज क्या है 70 डेज में करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि वही सेम वर्क अंकित कितने टाइम ड्यूरेशन में करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी भी है, पंकज जो वर्क 70 डेज में कर रहा है, अगर मैं बात करूं अंकित की एफिशिएंसी, अभी हम ए ही रख रहे हैं, तो वो ए अंकित कितने दिन में कर रहा है, तो उसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक्स डेज में कर रहा है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास इनकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की वैल्यू पुट कर देते हैं। पंकज की एफिशिएंसी है 12 × 70, ठीक है, 12 यूनिट वो पर डे काम कर रहा है और 70 डेज तक वर्क कर रहा है। ऐसे ही अंकित की एफिशिएंसी पर बात करें तो 5 यूनिट पर डे है, और कितने दिन तक काम कर रहा है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 14, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 168 डेज, ठीक है। तो अंकित कितने दिन उस वर्क को कर रहा है, 168 डेज कर रहा है। अब हमें ये मेंशन किया गया था कि अंकित को पर डे के लिए 1 रुपीज मिलते हैं, तो टोटल उसे कितना कितना वेजेस मिलेगा, अंकित कितने दिन काम कर रहा है, 168 डेज काम कर रहा है, पर डे उसे 1 रुपीज मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको कितने रुपए मिलेंगे, 168 रुपीज ही मिलेंगे, ठीक है। यही हमसे पूछा गया था कि अंकित को कितना वेजेस मिलेगा। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेम सीरीज के साथ।